विराट कोहली के सटीक निशाने पर बिगड़े स्टंप्स, फिर अनुष्का को दिया फ्लाइंग किक। गुजरात टाइटंस को पिछले मैच में उनके घर में हराने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने घर में इसी टीम के खिलाफ जबरदस्त शुरुआत की। बेंगलुरु के गेंदबाजों ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में गुजरात को सिर्फ 147 रन पर ढेर कर दिया, जिसमें विराट कोहली का भी अहम योगदान रहा। विराट कोहली लगातार आईपीएल 2024 में अपना जलवा दिखा रहे हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खराब प्रदर्शन के बीच भी विराट कोहली का बल्ला लगातार रन बरसाता रहा। बेंगलुरु को भले ही कई मैचों में हार मिली और टीम का प्लेऑफ में पहुंचना लगभग मुश्किल है, लेकिन कोहली फिर भी हर मैच में पूरा जोर लगा रहे हैं। सिर्फ बैटिंग ही नहीं बल्कि फील्डिंग में भी हमेशा की तरह उनका दम दिख रहा है। जहां कई मैच वो ले चुके हैं और अब तो उन्होंने अपनी फुर्ती का एक ऐसा नजारा पेश किया जिसने गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज शाहरुख खान को चौंका दिया। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शनिवार 4 मई की शाम बेंगलुरु और गुजरात की टक्कर हुई। इस मैच में बेंगलुरु ने पहले बॉलिंग की और पावर प्ले के अंदर ही गुजरात की धज्जियां उड़ा दी। मोहम्मद शिराज और कैमरन ग्रीन ने मिलकर 3 विकेट लिए और गुजरात सिर्फ 23 रन ही बना पाई। इसके बाद डेविड मिलर और शाहरुख खान ने बेहतरीन बैटिंग करते हुए गुजरात की वापसी कराई। इस पार्टनरशिप को कर्ण शर्मा ने मिलर को आउट कर दिया। विराट कोहली की फुर्ती से चूके शाहरुख, इसके बाद भी क्रीज पर शाहरुख खान थे जो बेहतरीन बैटिंग कर रहे थे और पहले ही कुछ बाउंड्री जड़ चुके थे। बेंगलुरु को इस विकेट की जरूरत थी लेकिन गेंदबाजों को सफलता नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में शाहरुख ने खुद एक मौका बेंगलुरु को दिया और मौका भी सीधे विराट कोहली को दिया, जो फील्डिंग में किसी से कम नहीं है। हुआ ये कि राहुल तेवतिया ने गेंद को हल्के हाथों से कवर्स की ओर खेला, जिस पर शाहरुख एक रन लेना चाहते थे। बस यहीं पर शाहरुख ने गलती कर दी क्योंकि गेंद पर चीते जैसी तेजी से लपके विराट कोहली। तेवतिया ने तो तुरंत ही शाहरुख को वापस लौटने के लिए बोल दिया था, लेकिन कोहली उनसे ज्यादा तेज थे। शाहरुख ने क्रीज पर वापस लौटने की कोशिश तो की, लेकिन कोहली का सीधा थ्रो स्टंप पर लग गया और शाहरुख रन आउट हो गए। कोहली के सटीक निशाने को देखकर बेंगलुरु के ही उनके टीममेट कैमरन ग्रीन चौंक गए। फिर जैसे ही थर्ड एम्पायर ने बताया कि हाँ कोहली का निशाना सही था और शाहरुख रन आउट हो गए, कोहली सीधा स्टैंड की ओर मुड़े और वहां बैठी अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा को फ्लाइंग किस दिया। बड़ा स्कोर नहीं बना सकी गुजरात। वैसे आउट होने से पहले शाहरुख ने 24 गेंदों में 37 रनों की उपयोगी पारी खेलकर टीम की कुछ वापसी कराई। उनके अलावा राहुल तेवतिया ने तेजी से 35 रन बनाए, जबकि डेविड मिलर ने भी 30 रनों की उपयोगी पारी खेली, जिसके दम पर गुजरात टीम किसी तरह 147 रन तक पहुंच पाई। बेंगलुरु की ओर से सिराज, विजय कुमार वैशाख और यश दलाल ने दो दो विकेट हासिल किए।